नमस्कार दोस्तों, मैं रामकलश यादव। दोस्तों, मैं प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करने वाला हूँ कि ऐसा दोस्तों मेरा अक्सर कमेंट आता है कि सर जी, जैसे हम दूध डेयरी ले लिए हैं, हमारे पास 50 लीटर दूध हो गया है, तब जो है दूध डेयरी की तरफ से हमें कितना कमीशन मिलेगा या हमें कितना बेनिफिट मिल सकता है 50 लीटर दूध में। जैसे आपके पास डेयरी है, गांव में खोल लिए हैं, नई डेयरी किए हैं या आप लेना चाहते हैं, तो आपके मन में अक्सर सवाल रहेगा कि जैसे हमारे पास अगर 50 लीटर दूध हो गया है, तब जो है हमें एक दिन का कितना होगा, फिर महीने का जोड़ लिया जाएगा। तो दोस्तों आज हम इस विषय पर चर्चा करूंगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे, और वीडियो को शेयर भी कर देना आपके दोस्तों में। हम आते अपने मेन टॉपिक पर। जब भी दोस्तों हम नई डेयरी लेते हैं तो शुरुआत में हमारे पास कम दूध होता है, क्योंकि उतने हमारे पास ग्राहक नहीं हो पाते, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। मान लीजिए हमारे पास 50 लीटर दूध हो गया है या 50 लीटर से ज़्यादा दूध हो गया है, तब जो है हमें दूध डेयरी की तरफ से कितना कमीशन मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा और हमें एक दिन में कितना कमा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है कि जब हम कोई बिजनेस करते हैं फिर उसके अंदर तक पहुंचते हैं, कुछ ऐसे बेनिफिट होते हैं कि जो छुपे हुए होते हैं और कुछ ऐसे बेनिफिट होते हैं कि ओपन होता है, लोग समझते हैं कि इतना मिल रहा है। लेकिन जब हम कोई बिजनेस करते हैं अंदर, तब हम अंदर तक तह तक जाते हैं कि हमें यहाँ से बेनिफिट होगा। मान लीजिए आपके पास 50 लीटर दूध है और आपके पास लगभग 25 ग्राहक हैं, तब जो है आपको कितना एक दिन का कितना बनता है, दूध के हिसाब से कमीशन कितना होता है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहूँगा कि जो भी डेयरी कमीशन देती है वो दूध के ऊपर कमीशन नहीं देती, वो कमीशन होता है जैसे कि 50 लीटर दूध का कीमत कितना होगा, हम जोड़ लेते हैं उसे 30 रुपये के हिसाब से या 40 रुपये के हिसाब से गिनती लगा लेते हैं कि 40 रुपये के हिसाब से 50 लीटर यानी 520 यानी 2000 रुपया होता है। कस्टमर कितने हैं, 25 हैं, तो 25 यानी 25 तिया 75 और कमीशन की बात की जाए तो 2000 रुपया का दूध होता है, तो उसमें से आपको 4% दिया जाता है। 4% मतलब आप मान लो 4% निकाल लीजिए 2000 का, 2 चौ 8 यानी 80 रुपया आपको मिलता है। अगर एक टाइम में 50 लीटर है और दोनों टाइम में अगर दूसरे टाइम में भी 50 लीटर है तो 100 लीटर हो जाता है। तो 50 लीटर का ही हम आपको बताएंगे कि मान लो 80 रुपया कमीशन हो जाता है, और जो दूसरा होगा जो अलग से होता है अंदर, तो करने के बाद पता चलता है, क्योंकि सारी चीज़ें मतलब हर जगह नहीं बताया जा सकता। तो मान लीजिए कि आपको लगभग जो है अगर 50 लीटर दूध है तो मान लो कि 150 रुपया से लेकर के 200 रुपया तक आपको बच सकता है एक दिन में। अगर एक टाइम में इतना है 50 लीटर, अगर दूसरे टाइम में भी इतना है तो आप इतने में जोड़ सकते हैं, यानी कि आपको मिलेगा टोटल 2 × 2 = 4 यानी 400 रुपये मिलेगा अगर आपके पास 100 लीटर दूध हो जाता है सुबह शाम का। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।